जय हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ हमारे देश की शान है और सीआरपीएफ के एक आईएसआई कैलाश सर ने एक टेलीकॉम कंपनी की धज्जियां उड़ाई है। और मैं जो बातें बहुत दिनों से बोलना चाहता था, जो बातें मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी, ये सही कानों पे अभी पहुंचाया गया है। और ये ऑडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है। कैलाश सर ने जियो की वाट लगा दी। मैं आप लोगों से ये क्लिप शेयर करना चाहता हूँ और आपके क्या थॉट्स है मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन कीजिए। टेक केयर दोस्तों। नमस्कार जी, वनिता बात कर रही हूँ। नमस्कार वनिता जी, तो बताइए क्या जानकारी चाहिए। जानकारी यही चाहिए कि जितनी बार भी कॉल कर रहा हूँ तो दिन में 100 बार 1000 बार जितनी कॉल करो उधर से अमिताभ बच्चन बोलते हैं हाथ धोइए, ये करिए, मास्क लगाइए। ये क्या बवाल है भाई? आप उस जियो टीम को बंद करवाना चाहते हैं जी? जो आपको बता रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो रिंग टीम को बंद करवाना चाहते हैं आप? मैं जब भी किसी के नंबर पे कॉल करूं तो मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, आपको बताना चाहेंगे सर, ये जो मैं आपको बता देती हूँ इस चीज के लिए जी। जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपको ये आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, हाँ, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या करना। मुझे क्या करने से मतलब नहीं है, मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, ये क्या मतलब है? जब भी फोन करो हाथ धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले और क्यों देंगे? सर जियो ट्यून है, बता। अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव, मैं उसकी सलाह क्यों मानूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जितनी बार कॉल कर रहा हूं अमिताभ बच्चन मुझे गाइडलाइन क्यों देंगे जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव, उसकी बहू पॉजिटिव, उसके बेटा पॉजिटिव, जब खुद बंदा कोरोना पॉजिटिव है तो उसको क्या हक है कि वो मुझे हर कॉल के ऊपर सलाह देगा? ये क्या मैनर्स है? क्या आप साबित करना चाह रही हैं ये बताइए। जियो तक मेरी हाई कमांड तक बात करना चाहता हूं। मैं सीआरपीएफ से एएसआई कैलाश बोल रहा हूं, आप मेरी कॉल रिकॉर्ड कीजिए और मेरी बात आगे तक पहुंचाइए। अमिताभ बच्चन कौन होते हैं कि वो मुझे हर कॉल पर सलाह देंगे 20 बार दिन में 1000 बार? अमिताभ बच्चन खुद पॉजिटिव, पूरा उसका फैमिली पॉजिटिव। मैं परेशान हो गया, जब भी फोन लगाता हूँ मुझे उस मनहूस की आवाज सुनाई देती है। मुझे कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनाओ, मुझे शुअर की आवाज सुनाओ, लेकिन मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। बस सर, ये अनाउंसमेंट बंद नहीं की जा सकती। ये अनाउंसमेंट आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं की जा सकती, यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं होती। देश को बेवकूफ बनाने की हद होती है। हमने बॉलीवुड में हम क्यों इन गंजेड़ी नशेड़ी, हमारी हमारे लिए महानायक नहीं है, हमारे लिए महानायक अब्दुल कलाम है, हमारे लिए महानायक भगत सिंह था, भगत सिंह है, तो क्यों आप हमें अमिताभ बच्चन की आवाज सुना रही है हर कॉल पे और ऊपर से जबरदस्ती और ये कह रही हो कि नहीं ये कॉल हम बंद नहीं कर सकते? हमारे अली सॉरी, हम इसे बंद नहीं कर सकते सर, जानकारी वही रहेगी। हाँ जी, जानकारी वही रहेगी, हम इसे बंद नहीं कर सकते। जानकारी को आपको बंद करना पड़ेगा मैडम। आप मुझे ये बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ तो आप मुझे सलाह दीजिए। जब आप खुद लापरवाह हैं, इसका मतलब आपको खुद कोरोना हुआ है, हम उस लापरवाह इंसान की बात क्यों माने? ऊपर से ये बॉलीवुड वाले नशेड़ी शराबी जुआरी कबाबी, हमने इसका बहिष्कार किया अमिताभ बच्चन का। इसकी वाइफ वहां राज्यसभा में खड़ी होकर कहती है कि नहीं, जिस थाली में खा रहे हैं लोग उसी में छेद कर रहे हैं। हम इनका सपोर्ट क्यों करेंगे, क्यों माने इनकी बात? अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव, उसकी लुगाई पॉजिटिव, उसका बेटा पॉजिटिव, उसकी बहू पॉजिटिव, तो हम उस इंसान की बात क्यों सुनेंगे जो हमें दिन में 50 बार बोल रहा है कि हाथ धोइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए। अमिताभ बच्चन तक मेरी आवाज जानी चाहिए, उसकी बात मैं क्यों मानूंगा? दिन में 1000 कॉल करता हूं, 1000 बार मुझे गाइडलाइन देगा क्या अमिताभ बच्चन? कौन है अमिताभ बच्चन? हमारी नजर में भगत सिंह महानायक थे, हमारी नजर में अब्दुल कलाम महानायक है, और मुझे ये आवाज नहीं सुननी चाहिए मेरे फोन पे दोबारा। आप इसके लिए निश्चिंत हैं? मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो फिर आप कह रही हो कि मैं आपकी ये कॉलर ट्यून बंद नहीं कर सकती? मुझे कुत्ते बिल्ली की आवाज सुनाइए, शुअर की आवाज सुनाइए, लेकिन अमिताभ बच्चन की आवाज मत सुनाइए। जब वो खुद कोरोना पॉजिटिव है, उसका पूरा परिवार पॉजिटिव है, तो वो हमें गाइडलाइन क्या देगा? तमाशा लगा रखा है सड़ा, जिसको फोन करो अमिताभ बच्चन, कौन है अमिताभ बच्चन?
आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको बताना चाहिए कंसर्न है, हम आपका अपना कंप्लेंट है जो टीम के साथ शेयर कर देंगे। जियो टीम के साथ में शेयर कीजिए और सख्त एक्शन लीजिए, बंद कीजिए इमीडिएटली, अमिताभ बच्चन की आवाज बंद कीजिए। आप निश्चिंत रहिए, हम आपका कंसर्न जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल, आपके पास मेरे नंबर, मेरे पूरी डिटेल है, ठीक है? कोई चोर उचक्का कॉल नहीं कर रहा है, एक देश का नागरिक फोन कर रहा है आपको, और जिम्मेदार नागरिक कॉल कर रहा है आपको। बंद करनी पड़ेगी अमिताभ बच्चन की आवाज। हाँ जी सर, आप इसके निश्चिंत है, कंसर्न आपका शेयर करें। बंद कीजिए तत्काल प्रभाव से, मुझे मेरे फोन पर अमिताभ बच्चन की आवाज नहीं सुननी चाहता मैं। आप निश्चिंत है, कंसर्न आपका शेयर कर दिया जाएगा। जी मैं कॉल करने